नमस्कार, आप देख रहे भी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ निशा। इस वक्त हम मौजूद है बोर्डिंग रोड के चार्टर्ड कॉमर्स में। जी हाँ, अब सही बता रही हूँ मैं कि बिहार का सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्था चार्टर्ड कॉमर्स में इस वक्त हम मौजूद है। और सबसे पहले तो बसंत पंचमी की हमारे देशवासियों को और हमारे व्यूवर्स को, हमारे पूरी एबी न्यूज की टीम के तरफ से हमारे सारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बसंत पंचमी का मौका है इसीलिए इस वक्त हम चार्टेड कॉमर्स में मौजूद हैं। और हमारे साथ चार्टेड कॉमर्स के डायरेक्टर गौतम सावन भी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। और सबसे पहले तो हम अपने व्यूवर्स का उनसे स्वागत करवाते हैं और उनसे शुभकामनाएं दिलवाते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू निशा, और थैंक यू आपके चैनल को, चैनल को, और इस चैनल के माध्यम से मैं तमाम बिहार वासियों एंड देशवासियों के सारे बच्चों और गार्जियंस एंड सभी लोगों को इस बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। जो माता उनको सद्बुद्धि दे और हम लोग अपने अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। जी सर, बसंत पंचमी का टाइम है, सभी मतलब बसंत पंचमी का एक ऐसा वक्त होता है सर कि सारे स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, जवान होते हैं, हर कोई एक्साइटेड होता है आने, मतलब 15 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है। तो लेकिन अभी कोरोना का टाइम है, गाइडलाइंस को फॉलो करके जो हमारे नियम आए थे उस पर हम लोगों नियम को पालन भी करना था उस टाइम में। अब मतलब बच्चे में कैसा उत्सुकता था सर, पहले के बारे में या फिर अभी वर्तमान में? सर अभी वर्तमान में। अभी वर्तमान में सारे बच्चे तो पूजा पाठ करना चाहते ही हैं और काफ़ी उत्सुकता है बच्चों के बीच में, लेकिन कोरोना लेके जो गवर्नमेंट ने अपना नियमावली दिया है, SOP दिया है, उस SOP के तहत ही हम लोगों ने पूजा पाठ भी किया है और बहुत ही सिंपल तरीके से लेकिन श्रद्धापूर्वक सारे बच्चों ने, सारे टीचर्स टीम ने, चार्टर्ड कॉमर्स के सारे मैनेजमेंट टीम ने पूजा अर्चना की है। जी सर, आप अपना जो शिक्षण संस्था है इसकी शुरुआत आप कब किए थे और कैसे किए थे, ये हमारे दर्शकों को बताइए कि इस चार्टर्ड कॉमर्स का जो कॉमर्स सेक्टर का टॉप 5 चार्टर्ड कॉमर्स है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कितना अप्स एंड डाउन आया था, क्योंकि किसी भी संस्था को स्टार्ट करने के लिए, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अप्स एंड डाउन होते रहते, उतार चढ़ाव जीवन का एक नियम है। तो कितना अप्स एंड डाउन था, कैसे शुरुआत हुई थी, किस हालात में शुरुआत हुई थी? शुरुआत ये चार्टर्ड कॉमर्स की स्थापना 2009 में 4 बच्चों से हुई थी और आज 4200 स्टूडेंट्स और हमारे टोटल 5 ब्रांचेस एंड 40 फैकल्टी प्लस हो गए हैं, जिसमें मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, CS एंड डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लेक्चरर्स हैं। तो देखा जाए तो बिहार के बाहर के फैकल्टीज, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटीज के हमारे टीम में हैं, कुछ मैनेजमेंट लेवल पे डिफरेंट MBA कॉलेज, जो टॉप 10 कॉलेज हैं वो मैनेजमेंट में भी हमारी टीम ने उनको रखा है और एक बड़ी टीम चार्टर्ड कॉमर्स में है, जिससे कि बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम लोग प्रोवाइड कर सकें। और बच्चे का जो भी 11th क्लासेस हो, 12th क्लासेस हो, जैसे 12th क्लासेस में बोर्ड एग्जाम होती है तो हर साल इंडिया के टॉप 10 कॉलेज में हमारे यहाँ से 40 to 50 स्टूडेंट्स का सिलेक्शंस होते हैं। फिर CA का, CMA का फाउंडेशंस या CS का, CSAT का एग्जाम हो तो उसमें साल में 2 बार एग्जाम होती है, तो ऑलमोस्ट 80% रिजल्ट हमारे यहाँ CA प्रोफेशनल का भी होता है। साथ ही साथ हमने बच्चों की सुविधा के लिए एक GST क्लास भी लॉन्च किया है 2 ईयर पहले ही, और जिसमें कॉमर्स के बच्चे कम खर्च में कंप्यूटर क्लासेस, GST क्लासेस एंड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की क्लासेस करके और सिंपल सा +2 करके या BCom साथ साथ करते करते अपना जीविका भी चला सकता है, 15,000 से 20,000-25,000 का महीना अर्निंग कर सकता है बच्चा। सर, चार्टर्ड कॉमर्स का बहुत सारे ब्रांच है, एक तो बोर्डिंग रोड में 2 ब्रांच है इसका, और कहाँ कहाँ ब्रांच है? चार्टर्ड कॉमर्स का बोर्डिंग रोड में राधिका कॉम्प्लेक्स हेड ऑफिस है और फिर संतुष्टि स्वीट्स गली बोर्डिंग रोड SK पुरी में चार्टर्ड कॉमर्स का कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहाँ पे हमारे कॉर्पोरेट मैनेजर एंड उनके सहयोगी लोग पूरे टीम को संभालते हैं। और साथ ही साथ कंकरबाग लोकेशन में हमारी ब्रांचेस है, कंकरबाग और फिर अश्चना दीघा रोड में रामनगरी मोड़ के पास ICICI बैंक के जस्ट अपोजिट, फिर अनिशाबाद गोलम्बर के पास पेट्रोल पंप के सामने एकदम गोलम्बर के पास ही चार्टर्ड कॉमर्स की ब्रांचेज है और पटेल नगर में भी चार्टर्ड कॉमर्स की ब्रांचेज खुली है। और बहुत ही जल्द चार्टर्ड कॉमर्स ने का जो अगला कदम है एक्सपेंशन का बच्चों के डिमांड पे, तो बिहार से बाहर भी जैसे झारखंड में रांची, फिर बनारस और बिहार में भी मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, ये ब्रांचेस खुलने जा रही है। बच्चों की काफ़ी डिमांड है, उन्हीं के डिमांड को ध्यान में रखते हुए 2022 के लास्ट तक इन 3-4 लोकेशन, अगले लोकेशन में और भी ब्रांचेस खुल जाएंगे।
सर चार बच्चों से शुरुआत हुआ ये कोचिंग संस्था आज हर किसी के जुबा पर रहता है। बिहार के पटना के, बिहार के सारे बच्चे जो पटना आउट ऑफ पटना के बच्चे हैं वो सारे लोग आ जाते हैं कॉमर्स के लिए और चार्टर्ड कॉमर्स को ज्वाइन करते हैं। तो महज चार बच्चों से जो ज्वाइन हुआ था, चार बच्चों से जो क्लासेस स्टार्ट हुई थी, वो आज यहाँ तक पहुंचा है। सर इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, कितनी मेहनत लगी थी, कितना आपको संघर्ष करना पड़ा था? मेहनत तो बहुत लगी और मेहनत तो जिंदगी भर करना ही पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। हमने और हमारी पूरी टीम ने, चाहे वो फैकल्टी टीम हो या हमारी मैनेजमेंट टीम हो, सारे ने पूर्ण रूप से और 100% अपना एफर्ट लगाया और जिसका परिणाम है कि बच्चों का गार्जियन का रिजल्ट हुआ और बच्चों का गार्जियन का प्यार मिला और इसी के कारण उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से, उनके रिजल्ट से चार्टर्ड कॉमर्स हर साल बढ़ते ही जा रही है आगे। सर प्रतिस्पर्धा के बाजार में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, जो कंपटीशन है शिक्षा संस्था के उसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? कंपटीशन तो एक अच्छी बात है कि कंपटीशन होना ही चाहिए, क्योंकि जहाँ पे ज्यादा कंपटीशन होती है तो वहाँ पे गुणवत्ता निखरता भी है। तो कंपटीशन होनी बहुत ही अच्छी बात है और हमारे लिए भी फायदा है, क्योंकि अगर कंपटीशन ना होगा तो फिर हम लोग स्थिर हो जाएंगे। और कंपटीशन करने से क्या होता है कि हम अपनी गुणवत्ता को, अपनी क्वालिटी को हर दिन इम्प्रूव करते रहते हैं और चार्टर्ड कॉमर्स कंपटीशंस के फेवर में रहती है एंड उसी के चलते हमारी गुणवत्ता दिनों दिन बढ़ती है। शिक्षा नीति का जो नई नीति आया है उसका क्या विजन है? शिक्षा नीति का नया विजन जो गवर्नमेंट ने अभी दिया है पूर्ण रूपेण तो अभी अप्लाई नहीं हुआ है और आने वाले समय में शिक्षा नीति का अगर शॉर्ट में कहा जाए तो सरकार की नीति यही समझ में आती है कि स्किल, अपने अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग बच्चों आगे बढ़े और पहले ही डिसाइड कर ले कि किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में करियर बनाना है, जिससे कि उनको इन फ्यूचर जॉब के प्रति इंतजार ना करना पड़े, खुद से उद्योगपति बन जाए। मैक्सिमम बच्चे अपने अपने स्किल्स में जिस फील्ड में भी उसका रुचि हो उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़े। सर अब बात करते हैं कोरोना की। कोरोना में बहुत सारे कोचिंग संस्था, हर कोचिंग संस्था प्रभावित हुए हैं। उस दौर में जो कोरोना का पैंडमिक था, बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुका था, ऑफलाइन क्लास को ऑनलाइन में कन्वर्ट करना कितना मुश्किल रहा? शुरुआती दौर में तो काफ़ी मुश्किल रहा कि सारे बच्चे ऑफलाइन में, सारे टीचर्स एंड मैनेजमेंट, हर इंस्टीट्यूट का, इवन की चार्ट कॉमर्स का, वो भी इस मुश्किल का सामना करना पड़ा। लेकिन हमारी पूरी टीम एंड कुछ स्किल्स लोगों के वजह से ये मुश्किल को बहुत जल्द ही समाधान के रूप में सॉल्व कर लिया गया और हमने पूरे अपने सेटअप को ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर दिया। और साथ ही साथ कोरोना काल से ही सही, लेकिन जमाने के हिसाब से या आप फिर समझिए तो कभी भी जो कभी कुछ परेशानी होती है तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, किसी महान ने कहा है, तो उसी को पूरा करते हुए या उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भी काफी प्रयास करके ऑनलाइन सेटअप को कंप्लीट तैयार कर लिया है। क्योंकि सर जो ऑफलाइन क्लासेस होते हैं वो बहुत इजी होता है, बच्चों से इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत इजीली वे में होता है कि हाँ बच्चे से इंटरेक्ट करके पढ़ा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास में ये सब बहुत, जो ऑनलाइन क्लास में एक अलग ही सिचुएशन पैदा होता है, बच्चे से हम रूबरू नहीं होते हैं, लेकिन फोन के जरिए होते हैं कभी, क्योंकि हर आजकल का जो बच्चे का जो दौर है, हर लोग फिनेंशियली सपोर्टेड नहीं होते हैं, बहुत सारे बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं होते हैं, जो आजकल जो नेटवर्क इशू बहुत रहता है उस टाइम पे क्या होता है? देखिए आपका कहना सही है कि सारे बच्चे जो हैं ऑनलाइन वो फोन अफोर्ड नहीं, स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि फिनेंशियली सारे स्ट्रांग नहीं है तो उनके पास मोबाइल की कमी होगी, नेटवर्क की कमी होगी, नेटवर्क भी उतना स्ट्रांग नहीं है, तो उन बच्चों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे, मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि धीरे धीरे खासकर उन बच्चों को जरूर कुछ प्रोवाइड कराए जिससे कि उन बच्चों को भी ऑनलाइन क्लासेस मिल जाए। और रही बात ऑफलाइन ऑनलाइन की, तो हमारी जो अपनी पर्सनल राय है, ऑफलाइन का क्लासेस का जोर नहीं है और ऑफलाइन क्लासेस में डायरेक्ट स्टूडेंट एंड टीचर्स का इंटरेक्शन 100% होता है, लेकिन ऑनलाइन में 100% इंटरेक्शन नहीं हो पाती है। जी, और इसी को लेकर अभी कुछ ही दिन में बहुत सारे बच्चे जो आंदोलन कर रहे थे कि स्कूल और कॉलेजेस को खुलना चाहिए कोरोना गाइडलाइंस का फॉलो करके 50%, 20% में खुलना चाहिए, क्योंकि जब सब कुछ खुल रहा है, जब मॉल्स खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, तो क्यों नहीं शिक्षा, जो शिक्षा संस्था है उसको भी खुलना चाहिए, आपकी क्या राय है इस पर? बिल्कुल, जैसा कि इस बार देखा जाए तो बिहार में कोविड का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप नहीं था और सरकार के साइड से भी ऑक्सीजन हॉस्पिटल का व्यवस्था था,
तो जो केसेस थे उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट 50% पे कोचिंग संस्थान यानी स्कूल्स को भी सरकार नॉर्मल में रख सकती थी, लेकिन सरकार की अपनी सोच है, उन्होंने इस बार नहीं रखा और इसका खामियाजा सारे इंस्टीट्यूट एंड टीचर्स एंड बच्चों को भुगतना पड़ा। क्योंकि देखिए लगातार अगर मोबाइल पे क्लासेस कर रहे हैं तो बच्चे का माइग्रेंट प्रॉब्लम या फिर आँखों में प्रॉब्लम, तो ये एक ऐसा कहा जा सकता है कि दो साल सवा दो साल के लगभग में जो कोरोना से प्रभावित रहा छोटे छोटे बच्चे एंड बड़े बच्चे भी, तो एक ऐसा पीढ़ी जो है का जनरेशन क्रिएट हो गया जो कि कहीं ना कहीं इंडिया को या पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा कि वो जनरेशन थोड़ी सी बुद्धि में या चातुरता में कमी तो निश्चित तौर से आएगी ही आएगी। जी सर, कोरोना का टाइम जो ऐसा बेसिकली बहुत गंदा सिचुएशन था, लेकिन सरकार को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए था क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए था, उसके बाद कोरोना गाइडलाइंस को रहते हुए उसके मद्देनजर शिक्षण संस्था को भी खोलना चाहिए था। और इसी के साथ जब सारे, क्योंकि जो रोजगार देने का जो एक सिलसिला था वो हमारे शिक्षक ही देते थे, लेकिन कोरोना पैंडमिक में शिक्षक ही बेरोजगार हो गए हैं। छोटे संस्था तो जैसे बंद ही हो चुके हैं क्योंकि उनकी भी फाइनेंशियल जो सिचुएशन थी वो बहुत वीक हो चुकी थी। इस पर आप क्या कहेंगे? ऑलमोस्ट देखा जाए तो 60-70% छोटे छोटे इंस्टीट्यूट जो रेंटेड हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है, वो बंद हो चुके हैं, या स्कूल्स जो हैं जो रेंटेड बिल्डिंग पे हैं तो वो तो बंद हो गए। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या फिर बड़ी संस्थाएं तो किसी न किसी तरह से अपनी जान बचाई है, सर्वाइव तो किसी तरह से किया है, लोन लेके हो या जैसे भी हो सर्वाइव किया है। तो बहुत सारे 70% से कम तो नहीं लेकिन 70% के लगभग में स्कूल्स एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बंद हो गए हैं और लोग बहुत सारे टीचर्स हो गए, सुसाइड भी करना पड़ गया क्योंकि उनको लोन का बर्डन था या डिफरेंट डिफरेंट कारणों से वो फ्रस्ट्रेट हो गए, डिप्रेस हो गए, तो सुसाइड तो समाधान नहीं है। तो मेरे उन दोस्तों से भी गुजारिश रहेगा कि देखो भाई ये तो समाधान नहीं है, लड़ना तो पड़ेगा चाहे जैसे भी परिस्थिति हो, लड़ना है। और सुसाइड विकल्प नहीं है क्योंकि सुसाइड करके आप अपने परिवार को अपने बच्चों को आप किस हाल में छोड़ के जा रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं। तो मेरी सरकार से भी गुजारिश रहेगी कम से कम उन परिवारों को जिनका देहांत हो गया है, जिनका डिप्रेशन हो गया है या फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, तो उनके बारे में भी सरकार को सोचनी चाहिए थी। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, उनको आप क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? वसंत पंचमी की शुभकामनाएं दीजिए, कोरोना को लेकर क्या कहना चाहते हैं, एडवाइस दीजिए, और हम आपकी जो सरकार से जो मांग है शिक्षण संस्था को खोलने का उस पर भी आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं ये भी बता दीजिए। पूरी तमाम बिहार वासियों एंड भारत वासियों को फिर से मैं सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर बधाई देता हूँ और साथ ही साथ कोरोना के गाइडलाइन को तो फॉलो करना ही करना है क्योंकि कोरोना ठीक है अभी बहुत कम केसेस हो गए हैं और सरकार के तरफ से हमारी आश्वासन भी मिला है कि 7 तारीख से खोल दिया जाए। तो हम लोग उम्मीद में है कि 7 तारीख से मंडे से सरकार जो है हम लोगों की बात सुनेगी और सारे संस्थान को, स्कूल्स को, कॉलेज को पुनः पूर्ण रूपेण 100% अटेंडेंस के साथ खोल देगी, तो जिससे हम लोग फिर से तैयारी करेंगे और धीरे धीरे अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे। इसी के साथ मैं निशा हमारे सहयोगी रोशन के साथ एबी न्यूज़ पटना।